नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ लेंगे जस्टिस उदय उमेश ललित, 2.5 महीने का होगा कार्यकाल। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को अदालत से मिली राहत, मुंबई पुलिस की याचिका हुई खारिज। और अमरावती के रासे गांव में किया जाता है गधों के पोले का आयोजन, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गधों को सजाकर खिलाए जाते हैं व्यंजन। अब खबरें विस्तार से। जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें CJI के तौर पर शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित आज भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में जस्टिस उदय उमेश ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाएंगे। CJI NV रमणा 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद जस्टिस उदय रमेश को भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। नए चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम का होगा और वो 8 नवंबर को अपने पद से रिटायर होंगे। पिछले 2 सालों से कोरोना संकट के चलते पोला पर्व का उत्साह कम हो गया था, लेकिन इस साल सूखे के संकट के बावजूद किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वर्धा के सर्कस मैदान में किसानों ने बैलों को सजाकर पूजा की, जो सुख दुख में उनका प्रिय साथी है। इस यंत्रीकृत युग में किसान राजा ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए बैल जोड़े की पूजा की और उत्साहपूर्वक जुलूस निकाला। इस मौके पर किसानों ने घोषणा की कि बैलों के प्रति आभार जताया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली मुंबई पुलिस की याचिका को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। विस्तृत आदेश में विशेष अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है जिससे ये संकेत मिले कि जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर मामले की मेरिट या सुनवाई प्रभावित होगी। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास पर हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा करके कथित रूप से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने के लिए राणा दंपति पर देशद्रोह सहित कई आरोप लगाए गए थे। दंपति को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और 4 मई को जमानत दे दी गई थी। अदालत ने उन्हें जमानत देते समय मामले से संबंधित विषय पर प्रेस को संबोधित नहीं करने का निर्देश दिया था। पोला किसानों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन कृषकों का विशेष महत्व होता है। इस दिवस पर किसान अपने बैलों के जोड़े को सजाते हैं और इस दिन पूरन पोली का प्रसाद चढ़ाते हैं। कल कामठी में कृषि उत्पन्न बाजार समिति की ओर से पोले का आयोजन किया गया था। किसानों के त्योहार पोला को बहुत महत्व दिया जाता है। बैलों के एक जोड़े को सजाया जाता है और बैल के जोड़े को पोले में ले जाया जाता है। तोरण छूटने के बाद घर घर बैलों को ले जाकर पूजा की जाती है। कामठी में कल कृषि उपज मंडी समिति की ओर से पोले का आयोजन किया गया था। बलिराजा को पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुरेश भोयर ने कृषि मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में सम्मानित किया और कामठी तालुका के आसपास के गांवों के बैलों के जोड़े ने पोले में भाग लिया, जबकि कामठी कृषि उपज बाजार समिति में एक बड़ा पोला आयोजित किया गया। बीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। फिर से स्वागत है। गधों का पोला सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हाँ, ये सच है। अमरावती जिले के अचलपुर तालुका के रास्ते गांव में गधे का पोला आयोजित किया जाता है। जैसे इस दिन बैलों को सजाया जाता है, वैसे ही गधों को भी सजाया जाता है और गधों को पापड़ जैसे व्यंजन परोसे जाते हैं। इतना ही नहीं तो बैलों के जैसे ही इस दिन गांव के गधों से भी कोई भी काम नहीं करवाया जाता। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पोले के दिन उनकी पूजा की जाती है और सम्मानित किया जाता है। इसी परंपरा के साथ ही अमरावती जिले के राशे गांव में भोई समुदाय के सदस्य गधे के प्रति आभार व्यक्त करते हुए गधों का पोला आयोजित करते हैं। यह प्रथा विदर्भ के अमरावती जिले में देखी जाती है। परंपरा सा ये पोले जी, ये का आज ही आपका पास हूँ। हुआ लगते साबन पूजा सब नस्कार लगते आज बिलोर बेटी फुला चारो सबनस राहायचे बैलास तुरोट परंपरा करतात। पुरणपोळी, वडे भजे, कुरड्या, पापड सर्वच करतात। जे आपण जेवण करतो तेच लहानपासून तो पोरगो मोठं होईपर्यंत गदीचंच काम करत आला। समोर आणलो किती वर्षापासून आहे सगळं? 25 वर्षापासून। गदे 10 आहेत। दोन गद्यापासून सुरुवात झाली ते 10 गद्यापर्यंत असे वाढवणार। चांगला आहे आता सध्या आमचा। गोंदिया की मार्बत जो एकता को दर्शाती है। गोंदिया शहर के विविध वार्डों से उत्साह के साथ मार्बत का जुलूस निकाला गया। कोरोना के बाद महंगाई झेल रही जनता ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कई नारे लगाए। शारदा उत्सव मनोहर चौक द्वारा काली मार्बत तथा महंगाई की मार्बत आकर्षण का केंद्र बनी। उसी प्रकार गोंदिया शहर के सभी हिस्सों में मार्बत का उत्साह देखने को मिला। शहर में हर साल की तरह इस साल भी काछीपुरा किसान समिति की ओर से पोले का भव्य आयोजन किया गया है। ये इस भव्य पोले का 153वां वर्ष है। ये समारोह में बड़ी संख्या में किसानों ने अपने बैलों के साथ भाग लिया। सभी ने अपने बैलों की सुंदर सज्जा की थी। इन बैलों की विधिवत पूजा की गई और सभी में पोले का उत्साह देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने भी मौजूद बैलों का पूजन किया। वीकेबी न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।